और अब बात करेंगे चुनाव के। दरअसल 13 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होना है और साथ ही रायपुर दक्षिण के लिए भी 13 नवंबर को मतदान होगा। तो ये तारीख आ चुकी है। दरअसल आज चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना है। एक तरफ महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा 20 नवंबर को और वहीं झारखंड में दो चरणों में चुनाव होना है जहां 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कुल 47 सीटों पर चुनाव भी होना है जिनमें शामिल है मध्य प्रदेश की बुधनी सीट और विजयपुर सीट जहां पर चुनाव होगा, उपचुनाव होगा। वहीं रायपुर दक्षिण, छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट भी खाली हो गई थी। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस सीट से, जिसके बाद ये सीट खाली थी। अब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की मिलाकर कुल 3 सीटें, मध्यप्रदेश की 2 सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, जहां पर चुनाव होना है 13 नवंबर को। तो क्या तैयारियां हैं और किस तरह से अब आगे की कमान संभालने वाली है बीजेपी और कांग्रेस, ये तमाम चीज़ें जानने की भी कोशिश करेंगे। रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुधीर जी, आखिरकार इंतज़ार किया जा रहा था चुनावी तारीखों का, चुनाव तारीख सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश में 2 सीट, बुधनी और विजयपुर, कितनी ज़्यादा तैयारी आप देखने को मिल रही हैं बीजेपी और कांग्रेस में जैसी चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ? देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि चुनाव की तारीखों से पहले ही कल बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी और उसमें कहना होगा कि चुनाव समिति की बैठक में जो नाम थे केंद्रीय नेतृत्व को, वो पैनल के रूप में भेजे गए थे। विजयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। यहाँ पर जो प्रदेश सरकार के वन मंत्री रामनिवास रावत, उनका नाम लगभग तय कर लिया गया है और उनके नाम पर ही मोहर लगेगी, ये बिल्कुल माना जा रहा है। बुधनी को लेकर जरूर बीजेपी के पास में थोड़ा सा असमंजस है। यहाँ पर 4 नाम का पैनल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा गया है। इन 4 नामों की अगर बात करते में कार्तिकेय चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, इसके अलावा रायन सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनका नाम है, रमाकांत भार्गव विदिशा के पूर्व सांसद हैं, उनके नाम की का भी नाम पैनल में शामिल किया गया है। यानी कि कहना होगा कि बुधनी को लेकर बीजेपी को अपना जो डिक्लेरेशन है वो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि यहां से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। 13 तारीख को मध्यप्रदेश में जो 2 सीटें हैं विजयपुर और बुधनी, उपचुनाव में वोटिंग होगी। 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे और कई सारे मुद्दे इन चुनावों में रहने वाले हैं। कांग्रेस के लिए विधानसभा लोकसभा के बाद में एक तरीके से कहा जाए तो बड़ी परीक्षा है अपने आप को साबित करने की। वही बीजेपी के लिए अपनी दोनों सीटों को बचाने की एक बड़ी परीक्षा है क्योंकि कांग्रेस के पास विजयपुर थी पर लेकिन बीजेपी से इस समय विधायक है। मेरे साथ इस समय मौजूद है राजपाल सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, क्या कहेंगे, मतलब क्या सामने देख रहे हैं, क्योंकि सरकार तो है बीजेपी की पर लेकिन जिस तरीके से दल बदल हुआ विजयपुर का आपने देखा, बुधनी की अगर अब बात छोड़ दें क्योंकि शिवराज जी का गढ़ है, वहाँ केंद्रीय नेतृत्व के नाम भेजा गया है, विजयपुर में तस्वीर साफ है, बुधनी में क्या कब तक नाम तय करेंगे? तस्वीर दोनों जगह की बहुत साफ है और बीते कल में हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक होकर दोनों सीट के चुनाव के सारे प्रबंधों के ऊपर विस्तार से चर्चा होने का काम हो गया। उम्मीदवार भी जो संभावित है उन सब लोगों के नाम पे विचार होकर यहाँ से अनुरोध भेज दिया गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए। संभवतः 16 तारीख में रात में पार्लियामेंट्री बोर्ड की चुनाव, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है। आप देखेंगे एक दो दिन में हमारे उम्मीदवार तय होकर नाम आ जाएगा। कांग्रेस की अगर तैयारी की हम बात करें तो कांग्रेस तो अभी बुधनी में और विजयपुर में जाकर उनके नेता उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा आज की तारीख में। कांग्रेस यहाँ पे मध्य प्रदेश विजयपुर में उनके उम्मीदवार को आप ले आए ना, मंत्री बना दिया उनको, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस से कोई लड़ना नहीं चाह रहा है। और स्थिति यह है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कि कांग्रेस तो अपनी कार्य समिति नहीं बना पा रही। चुनाव तो बहुत बात की बात है, चुनाव लड़ेंगे जब देखी जाएगी, आज तो कार्य समिति नहीं बना पा रहे। कांग्रेस क्राइसिस में है, कांग्रेस कंफ्यूजन में है, कांग्रेस चुनाव में कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव के जो हमारी सीटें हैं, चाहे विजयपुर हो चाहे बुधनी हो, दोनों जगह के सम्मानी मतदाताओं ने मन बना लिया है कि सरकार के साथ चलेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार विकास, विकास और सिर्फ विकास की परिकल्पना को लेकर बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में लगाया है कांग्रेस ने। हालांकि बीजेपी को से रामपाल सिंह बुधनी के हैं, इसके अलावा ऐदल सिंह कंसाना को विजयपुर का प्रभारी बनाया गया है, कई सारे नेता हैं और चौगालिर संबलगढ़ कहा जाता है पर लेकिन कांग्रेस की ओर से बात कर अरुण यादव, हमने देखा कि उनको जिम्मेदारी दी है, शैलेंद्र पटेल है उनको जिम्मेदारी है, सज्जन सिंह वर्मा, बुधनी में बात करें तो हेमंत कटारे से लेकर तमाम, जयवर्धन सिंह, तमाम नेता जो है
वो जुटने वाले हैं। मुद्दे सरकार का जो कामकाज है पिछले 10 महीने का, उसको लेकर जनता के बीच जाने की बात कांग्रेस कर रही है। देखिए, बुदली सीट पर तो लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी का संगठन जीतता आया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ से जीतते थे। एक बार दो बार मुश्किल से चुनाव में वो क्षेत्र में जाते थे, बाकी तो वहाँ का हमारा संगठन चुनाव लड़ता था। आज भी संगठन जो हमारा बुधनी का है वो इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का संगठन कि वो संगठन बुध पे काम चालू कर चुका है। संगठन की पसंद रही है शिवराज जी की पसंद बुधनी में, क्या देखने को मिलेगा? कोई कार्तिकेय चौहान के नाम की चर्चा, मंडल अध्यक्ष लेकर तमाम जो नेता उनके नाम का पत्र दे चुके हैं कि उनको चुनाव में उतारा जाए। जो संगठन की पसंद होगी वही शिवराज सिंह जी की पसंद होगी, क्योंकि शिवराज सिंह स्वयं अपने आप में संगठन के एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, कर्मठ नेता है, संगठन शास्त्र के ज्ञाता है और वरिष्ठ नेता है, हम सबके मार्गदर्शक है। क्या मुद्दे हैं आपको जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच अब जाएगी दोनों चुनाव में? 9 महीने का कार्यकाल है, नए मुख्यमंत्री मिले हैं, उनके कामकाज को लेकर तो जाना ही जनता के बीच में, पर लेकिन लग रहा है कि जो भरोसा 23 के चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में जताया, फिर से उपचुनाव में हम जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे किए हुए काम के आधार पर हम जाएंगे। और मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश के गरीब के कल्याण के लिए जो कार्य किए उन काम को लेकर हम जाएंगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अथाह विश्वास जनता के बीच में हम पैदा करने में सफल हुए हैं। वो इसलिए हुए कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा अवसर आने पर सरकार में आने के बाद में उसको पूरा किया, और यही बात जो है जनता को जचती है कि पार्टी की रीति नीति वही है जो वो कहते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ कोई डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं होती है। जिस प्रकार से कांग्रेस तुष्टिकरण की बात करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की बात करती है। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर सबको संतुष्ट करते हुए जब हम सबके हित की योजनाएं बनाते हैं और जब सबके बीच में जाते हैं तो फिर प्रतिसाद मिलता है हमको, जनता हमको दोनों हाथ से आशीर्वाद देती है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि देश के कई राज्यों में आज हमारी सरकारें बनने का काम हो रहा है। अभी हरियाणा में पिछले दिनों बनने का काम हुआ, अभी झारखंड में बनेगी, देखना आप महाराष्ट्र में बनेगी। हम सब जगह जो है जनता के बीच में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम अंतरात्मा से जाके काम करते हैं, हमारी नियत साफ है, इस वजह से जनता हम पर विश्वास करती है। बिल्कुल, देख सकते हैं कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है और निश्चित तौर पर बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं। चुनाव को लेकर जो चेहरे हैं उनके चुनाव को लेकर भी बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बीजापुर में तस्वीर साफ है, रामनिवास रावत बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। बुधनी में जो तस्वीर वो भी 16 तारीख तक साफ हो जाएगी, केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी, पार्लियामेंट बोर्ड की जब बैठक होगी 16 तारीख को, तो उसमें झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ जहां पर उपचुनाव है उन सीटों के उम्मीदवार भी तय कर लिए जाएंगे। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि बुधनी एक बीजेपी का मजबूत गढ़ है, और कहना होगा कि पिछले 20 साल से लगातार बीजेपी यहां पर चुनाव जीती हुई आई है और शिवराज सिंह चौहान लगातार यहां से विधायक बने रहे थे, पर लेकिन इस बार उनके सीट इस्तीफा देने के बाद जब खाली हुई है, केंद्रीय मंत्री के बनने के बाद खाली हुई है, तो देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी के तौर पर बीजेपी किसको लेकर आती है, इस बात पर निगाह है। कांग्रेस के लिए चेहरे को लेकर जरूर चुनौती हो सकती है, और देखना होगा कि कांग्रेस विजयपुर में रामनिवास रावत के सामने किसको लेकर आती है। हालांकि यहां पर आदिवासी चेहरे के ऊपर कांग्रेस दाव लगा सकती है, इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है, और बुधनी के अंदर देखना होगा कि कांग्रेस किस पर दाव लगाती है, ये कांग्रेस के लिए चेहरे को लेकर बड़ी चुनौती रहने वाली है। ठीक है सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।